ताकि हाईवे खुल सके और वहां पर गाड़ियां गुजर सके। और अब बात बड़ी खबर की जो कि बंगाल से है, जहां ममता सरकार ने आज से विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का बिल पेश होगा और इसे पारित भी किया जाएगा। ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को कहा था कि आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए 10 दिनों के भीतर एक बिल पारित करेंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी के लाए विधेयक का समर्थन किया है, साथ ही कहा है कि वो ममता के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आज जो विशेष सत्र बंगाल का बुलाया गया है, आज हंगामेदार रह सकता है। एक तरफ रेप विधेयक को लाने की पूरी कवायद ममता सरकार की तरफ से की जाएगी, तो एक तरफ बीजेपी उसका समर्थन तो कर रही है, लेकिन रेप की जो जघन्य वारदात वहां पर हुआ बंगाल में, उसको लेकर ममता सरकार से इस्तीफे की भी मांग बीजेपी की तरफ से विधानसभा में किया जाएगा। खबर कोलकाता से, जहां कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इस सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टाफ और डॉक्टरों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही सीबीआई टीम एक बार फिर क्राइम सीन पहुंची और सीबीआई अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग, बॉयज हॉस्टल, प्रिंसिपल ऑफिस भी गई, जहां से साक्ष्य जुटाने की या फिर कोई ना कोई ऐसा लिंक जो उस केस को सॉल्व कर सके उसको तलाशने के लिए पुलिस ने ये सीबीआई जो टीम है वो फिर से वहां पर गई। आपको ये सीधे तस्वीरें कल देर रात की बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भेड़िये का आतंक थम नहीं रहा है, नहीं थम रहे हैं भेड़िये के हमले। एक बच्ची और बुजुर्ग महिला पर भेड़िये ने फिर से हमला किया है। भेड़िये के हमले में बच्ची की मौत हो गई है। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर बच्ची का शव मिला। घायल बुजुर्ग महिला अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 4 आदमखोर भेड़िये तो आ गए हैं पिंजरे के अंदर, लेकिन अभी भी जो भेड़िये इलाके में दहशत फैला रहे हैं उसका एक मंजर एक बार फिर से सामने निकल कर आया, जहां एक बार फिर से गांव वाले डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार आदमखोर भेड़िये ने फिर से एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया। अपने घर से कुछ दूरी पर उसका शव मिला और एक बुजुर्ग को भी अपना शिकार बनाया। हालांकि बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती करा दी गई, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बुजुर्ग महिला की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से है, और उस मासूम बच्ची को शिकार बनाया है। गांव वालों ने या आपकी माता ने किसी को ने भेड़िया को देखा था? माता जी ने देखा। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ भेड़िए दरवाजा वरवाजा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? दरवाजा था लेकिन थोड़ा ज्यादा। और बहराइच में भेड़ियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भेड़ियों के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में जगह जगह जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल के बीच भेड़िये लगातार चकमा दे रहे हैं। क्या भेड़ियों की दहशत का खात्मा होने में अभी 1 महीना और बचा है? क्यों इसकी आशंका जताई जा रही है, देखिए रिपोर्ट। बहराइच के दर्जनों गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान है, क्योंकि कड़ी पहरेदारी के बाद भी भेड़िये रिहायशी इलाकों में हमला करने आ रहे हैं। आखिर घेराबंदी के बाद भी भेड़िये क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा नहीं है कि भेड़िये चुपचाप बैठे हैं, वो लगातार हरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभी 1 महीने और भेड़ियों का आतंक रह सकता है। पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। बहराइच की जिस महसी तहसील में भेड़ियों का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो घाघरा का कछारी क्षेत्र है। इस वक्त देश भर में मानसून की बारिश देखी जा रही है। बहराइच में भी मानसून की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बारिश होने से जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। वही गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, जिससे खेतों में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है और भेड़ियों के लिए छिपना भी आसान है।
एक तरफ तापमान भी बढ़ रहा है जिसकी वजह से उमस हो रही है और बढ़ते टेम्परेचर के बीच कैमरों में ओवरहीटिंग भी हो रही है जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले एक महीने तक भेड़िये आतंक मचा सकते हैं क्योंकि सितंबर जाते जाते बारिश भी कम हो जाएगी और फसलें भी कटने लगेंगी जिसकी वजह से भेड़ियों का छुपना भी मुश्किल होता जाएगा। आज से करीब 28 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़िये नरभक्षी बन गए थे। साल 1996 की बात है जब उत्तर प्रदेश के 3 जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। भी बना था, काफी यूएन कराई था, काफी उसमें पॉलिटिकल भी वो था, तो वन विभाग की कई टीमें ने उसे 3-4 महीने ऑपरेशन चला था। वो ऑपरेशन वास्तव में काफी टफ था क्योंकि उस सारे भेड़िये गाँव की तरफ जाते थे। अल्टीमेटली उसमें 7 या 8 भेड़िये मारे गए और पता तब भी चला जब 8वें भेड़िये मारने के बाद कई दिन तक कोई घटना नहीं रही हुआ, वो खत्म हो गया होगा और वो खत्म भी हो चुका था। उसमें हमारे एक DFO प्रतापगढ़ थे, उनके आंख में चोट भी आ गई थी उसमें काफी। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही और आगे देखिए खास बुलेटिन गोरबंध।